बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। चले चलते हैं जी वीडियो की तरफ, देखते हैं आज हम आपके लिए कौन सी गाड़ी लेके आए जी, क्या मॉडल है, क्या माइलेज है, किधर का नंबर लगा हुआ है, गाड़ी खड़ी हुई किधर है, रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात आनर का नंबर, आनर की डिटेल और आनर की लोकेशन भाई शो की जाएगी, ताकि जो मेरे भाई परचेजिंग करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके परचेजिंग कर सके और इस गाड़ी को जितना जल्दी हो सके अपना बना सकते। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी बनी है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। चलें जी गाड़ी का रिव्यू लेते हैं। आप जनाब जो गाड़ी आज आपके लेके हैं वो है सफा वालों की XPV। बहुत 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 सस्ती होने वाली है गाड़ी, उसकी वजह ही बताऊंगा क्यों सस्ती होने वाली है। सारी गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, वो सामने पैनल के ऊपर देखें तो गाड़ी डैमेज आपको मिल रही है जनाब। सेंट्रल डोर चेक करें वो थोड़ा डैमेज मिल रहा है। इंजन वगैरह की बात करें तो गाड़ी का इंजन जनाब उन्होंने न्यू इंस्टॉल करवाया, अभी AC वगैरह वर्किंग कंडीशन में। गाड़ी का जनाब पिलर और जो उसे क्या कहते हैं किनारी गाड़ियों की, इस गाड़ी की जेन्युइन है, बाकी गाड़ी शावर है, अंदर से टोटल जेन्युइन है। लेकिन मुनासिब कीमत में, 2014 का मॉडल है, लाहौर का नंबर लगा हुआ है, मुनासिब कीमत में गाड़ी हो सकती है। ये चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड भी पूरी से हालात में है। आपको छोटे मोटे काम गाड़ी के ये नहीं के डैशबोर्ड फिटिंग और हल्के पुल्के आपको काम करवाने पड़ेंगे, ठीक है। मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। पावर स्टेरिंग, बाकी गाड़ी कमाल की MP3 सिस्टम, सीट कंडीशन बेहतरीन आपको लगी हुई मिलेगी। ये चेक करें जी फ्रंट सीट और एक फोल्डिंग सीट लगी हुई है माशाल्लाह, अच्छी गाड़ी है। अभी आपको दिखाते हैं जनाब नेक्स्ट पार्ट भी, गाड़ी का फ्रंट चेक करते हैं। फ्रंट देखें तो फ्रंट में आपको सेफ गार्ड लगा हुआ है मेरा नॉर्मल सा, बाकी साफ ही गाड़ी फ्रंट से तो मिल रही है माशाल्लाह। लाहौर की नंबर प्लेट लगी हुई है, जेन्युइन नहीं है, कॉपी लगी हुई है। साइड में बड़े मिरर लगे हुए मेरे हैं, साइड की पिक्चर मैं दोनों दिखा देता हूँ ताकि किसी भाई को कोई टेंशन परेशानी ना रहे, बिला झिझक परचेजिंग कर सके। ये चेक कर लें जी अलॉय रिम आपको इस गाड़ी में नहीं मेरे, टायर कंडीशन भी नॉर्मल सी मेरे, ये बहुत अच्छे टायर भी नहीं मेरे, लेकिन इतने गए गुजरे भी नहीं आपको मेरे। इंजन न्यू रखवाया हुआ है, AC वगैरह वर्किंग कंडीशन में है। ये साइड आपने देख ली होगी, अब दूसरी साइड तरफ चलते हैं। दोनों साइडों पे आपने देख लिया, आपको सेफ गार्ड वगैरह लगे हुए मेरे हैं, बाकी ओके पे है गाड़ी तकरीबन। फैमिली यूज़ के लिए बेहतरीन है, एज ए मजदूरी के लिए आपने इस्तेमाल करनी है, पैसा गेन करनी है, उसके लिए भी गाड़ी बेहतरीन है। अभी आपको गाड़ी के आनर का नंबर भी दे देता हूँ, लोकेशन भी दे देता हूँ, डिमांड ही बता देता हूँ, ताकि जो मेरे बाइक ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं वो उस नंबर पर रब्ता करके ख़रीद सकें। जनाब आपकी स्क्रीन पे एक नंबर चल पड़ा होगा, ये गाड़ी के आने का नंबर है जी। आने के पास गाड़ी है XPV फा वालों की, 2014 का मॉडल है जनाब, अच्छी कंडीशन में है बॉडी वाइज, बाकी है तो शावर पिलर और इसे क्या बोलते हैं किनारी गाड़ी की जेन्युइन है, अंदर से गाड़ी जेन्युइन है, सीट कंडीशन बेहतरीन मिल रही है। सबसे बड़ी बात मुनासिब बहुत डिमांड कर रहे हैं, फैसलाबाद में ये गाड़ी खड़ी हुई और डिमांड कर रहे हैं जनाब। इस गाड़ी की 5,85,000 रुपये ये डिमांड है, कोई फाइनल प्राइस नहीं, इंशाल्लाह कम हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।